नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए और शानदार से वीडियो के अंदर। देखिए आज का जो वीडियो है आपकी ऑन डिमांड, आप बोलते हैं मानसरोवर एक्सटेंशन के अंदर हम एक शानदार सा 2 BHK अपार्टमेंट दिखाइए जो कि हमारे बजट में भी हो, तो वही चीज आपके लिए आज मैं ढूंढ के लेके आ चुका हूँ। देखिए फ्रंट एलिवेशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से शानदार सा फ्रंट एलिवेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। पत्रकार कॉलोनी में हम लोग खड़े हैं, एग्जैक्ट मैं लोकेशन आपको बता देता हूँ। लोकेशन जो होने वाली है पत्रकार कॉलोनी में, जहाँ रोडू रामनगर स्टार्ट होता है वहीं पे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जहाँ आपको शानदार से 8 अपार्टमेंट यहाँ पे बना के दिए गए हैं। और अगर बात करें इस तरफ, देखिए यहाँ पे आपको एक ZDA का पार्क आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि पूरा वेल डेवलप पार्क आपको यहाँ पे दिया गया है। 40 फीट रोड आपको सामने की तरफ यहाँ पे दी गई है और एलिवेशन जैसे मैंने आपको बताया काफी खूबसूरत एलिवेशन होने वाला है यहाँ पे। आप सैंपल यूनिट हमने बनाई है उसका हम टूर करेंगे, तो एक बार पहले नीचे की तरफ मैं दिखा देता हूँ। देखिए एंट्रेंस जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको एंट्रेंस मिल जाती है। और बात करें यहाँ पे पार्किंग के स्पेस की, आइए एक बार, तो 8 यूनिट के हिसाब से आपको प्रॉपर आपकी एक मार्कर की पार्किंग यहाँ पे दी जाएगी। और आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे पार्किंग का स्पेस यहाँ पे निकाला गया है। यह आ जाता है देखिए आपके लिफ्ट स्टेयर्स का प्रोविजन, और यहाँ पे आपको लिफ्ट का प्रोविजन यहाँ पे बना के इस तरफ दिया गया है। अब हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ जहां पे जो सैंपल यूनिट बनाई गई वहां पे, और देखते हैं वो कैसे क्या कुछ होने वाली है। प्राइस की और साइज की दोनों की बातें हम लोग वहां पे जाके करेंगे। लोकेशन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, लोकेशन पत्रकार कॉलोनी रोड रामनगर जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे लोकेटेड मानसरोवर एक्सटेंशन की लोकेशन होने वाली है। बहुत ही खूबसूरत प्राइस और बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे बनाया गया अपार्टमेंट मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, तो एक बार चलते हैं। लेकिन देखिए अगर चाहते हैं आप इसको लेना तो नंबर स्क्रीन पर दे दी, वहां जाके और डिटेल भी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं और पूरी जानकारी वहां प्राप्त कर सकते हैं। आइए कैमरा जी लोग चलते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितना शानदार जबरदस्त एलिवेशन अपनी बिल्डिंग का आपने देखा, लोकेशन बहुत ही सारी खूबियों के साथ यहाँ पे आपको लोकेशन यहाँ पे जो है मिलने वाली है, आसपास में सभी चीजें जैसे हमने बताया। अब देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे जो लिफ्ट का प्रोविजन है कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाता है। मैंने जैसे बताया एक फ्लोर पे सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट यहाँ पे दिए गए, स्टेयर्स का प्रोविजन आपको इस तरीके से यहाँ पे मिलने वाला है। अब एक बार इसका कर लेते हैं कंप्लीटली टूर, कैसे क्या कुछ होने वाला है। हम लोग अभी जो टूर करवा रहे हैं आपको एक सैंपल यूनिट हमने बनाया है, देखिए प्राइजेस क्या क्या होने वाली है मैं सब चीजें बताऊंगा, सेमी फर्निश और फर्निश के कैसे क्या प्राइस होने वाली है। तो आइए एक बार कैमरा मैन अंदर की तरफ। तो सबसे पहले जैसे एंटर करते हैं, हम लोग एंटर करते हैं आपको यहाँ पे ड्राइंग एरिया का स्पेस मिल जाता है। ड्राइंग एरिया में आप देखेंगे आराम से 7 सीटर तक का आपको यहाँ पे सोफा आपको लगा के दिया गया है और इतना स्पेस आपको यहाँ मिल जाता है। बीच में सेंटर टेबल काफी खूबसूरत यहाँ पे बना के दी गई है और ये मिल जाता है बिल्कुल सामने आपको यहाँ पे ड्राइंग एरिया के सामने टीवी पैनल का स्पेस। तो आप चाहे बड़े से बड़ा टीवी आप इजिली यहाँ पे एक बार पूरा दिखा दीजिए, बड़े से बड़ा टीवी आप लगाना चाहे इतना स्पेस आपको यहाँ पे इजीली आपको मिल जाता है। ऊपर की तरफ यहाँ देखेंगे फॉल सीलिंग की डिजाइन, बहुत ही ब्यूटीफुल सी फॉल सीलिंग की डिजाइन आपको मिल जाती है इसके अंदर। देखिए प्यारे प्यारे से वॉलपेपर यहाँ पे लगा के दिया गया है, झूमर भी बहुत प्यारा यहाँ पे दिया गया है। ऐसी कोई भी चीजें यहाँ पे यूज नहीं की गई जो तड़कती बड़कती टाइप की हो, बिल्कुल एकदम सिंपल और सोबर जो की खूबसूरती आपकी इसके ड्रॉइंग एरिया की खूबसूरती बढ़ा दे। इस तरह भी देखते हैं इस वॉल पे आपको प्यारा सा वॉलपेपर कवर दिया गया है। देखिए सबसे अच्छी बात है एक फ्लोर पे आपको 2 ही यूनिट यहाँ पे दी गई है, एक रूम आगे की तरफ एक रूम पीछे की तरफ, 2 बालकनी आपको मिल जाती है, 2 बेडरूम, 1000 स्क्वायर फीट में शानदार सा बना हुआ। तो आइए एक बार ये वाला रूम देख लेते हैं। इस रूम में देखते हैं, देखिए शानदार सा यहाँ पे स्पेसियस रूम आपको दिया गया है। इसकी साइज की मैं बात करूं तो लगभग 10x13 के आसपास आपको साइज यहाँ पे मिल जाती है। किंग साइज का बेड यहाँ पे लगा के दिया गया है, उसके बावजूद भी आप देखते हैं तो दोनों तरफ आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है दोनों तरफ, और पीछे की तरफ वॉलपेपर का प्यारा सा वर्क और शानदार सा बेड यहाँ पे दिया गया है। एक बार इधर आके वार्डरोब भी दिखा दीजिए, कंप्लीट ही वार्डरोब का यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है। इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ ही आपको वार्डरोब्स मिल जाती है, तो जो भी कुछ एक्स्ट्रा सामान आप रखना चाहें, सर्दी वगैरह के कपड़े भी आप रखना चाहें, तो इजिली आप ऊपर की तरफ यहाँ पर रख पाएंगे। ऊपर की तरफ यहाँ पे फॉल सीलिंग की डिजाइन जो कि काफी खूबसूरत फॉल सीलिंग की डिजाइन दी गई है, और ये मिल जाता है देखिए विंडो का एक प्रोविजन, और यहाँ पे अटैच वॉशरूम आपको मिल जाता है जिसमें आप देखेंगे तो वेस्टर्न सीट यहाँ पे लगा के दी गई है, टाइल्स कवर काफी हाइट तक यहाँ पे दिया गया है और वेंटिलेटेड वॉशरूम आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यह आ जाता है देखिए बालकनी का स्पेस, कुछ इस तरीके से शानदार सा बालकनी का स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है जिसकी वजह से सनलाइट प्रॉपर मिलती रहे, वेंटिलेशन आपके जो है इसमें रूम में प्रॉपर यहाँ पे वेंटिलेशन बना रहे, उस हिसाब से काफी खूबसूरत चीज ये यहाँ पे आपको बना के दी गई है। अब बढ़ते आगे की तरफ, देखिए एक अच्छी सबसे अच्छी बात यहाँ अपार्टमेंट की आपको सबसे अच्छी बात ये होने वाली है कि आपका ड्राइंग एरिया का स्पेस और डाइनिंग का स्पेस बिल्कुल एकदम सेपरेट यहाँ पे रख दिया गया है, तो यहीं से आप डिवाइड कर, जैसे यहाँ पर पर्दे भी लगा दिया गया जिसको गेस्ट वगैरह बैठे तो वो डाइनिंग की तरफ या फिर आपके किचन की तरफ ना आए। तो आगे की तरफ आइए एक बार यहाँ दिखा देते हैं, ये अप टू 4 सीटर आपका, देखिए अप टू 6 आराम से यहाँ पे आप लगा सकते हैं, उस हिसाब से आपका डाइनिंग का स्पेस आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे भी डाइनिंग में देखेंगे तो वॉलपेपर का प्यारा सा वर्क इस वॉलपेपर में मिल जाता है, और ऊपर की तरफ यहाँ पे भी फॉल सीलिंग की बहुत ही प्यारी सी डिजाइन आपको यहाँ पे करके दी गई है। ये एक स्पेस है जहां वॉश बेसिन के हिसाब से स्पेस यहाँ पे दिया गया है, तो वॉश बेसिन यहाँ पे लगा के इस स्पेस को यूटिलाइज यहाँ पे किया जा सकता है। यह आ जाता है देखिए आपका किचन, किचन भी फुली मॉड्यूलर किचन यहाँ पे दिया गया है, चिमनी लगा के साथ में
अपर कैबिनेट्स आपको मिल जाते हैं और लोअर कैबिनेट्स भी आपको यहाँ पे शानदार से बना के दिए गए हैं। ये मिल जाता है, देखिए आपको सिंक का प्रोविजन यहाँ पे, तो एक सेपरेटली इस जगह को यहाँ पे यूज यहाँ पे किया गया है। देखिए एसी फिटिंग की बात करूं मैं तो प्रॉपर हर जगह जहां जहां नीड है एसी फिटिंग आपको प्रॉपर हर जगह दी गई है। ड्रॉइंग एरिया में एसी फिटिंग आपको मिल जाती है, साथ में रूम्स के अंदर भी आपको एसी फिटिंग दी गई है। सेकंड बेडरूम की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे बना के दिया गया। इसमें भी देखेंगे किंग साइज का बेड और साथ में आप देखेंगे पीछे की तरफ प्यारा सा, एक बार अंदर आके पूरा दिखा दीजिए, प्यारा सा पूरा वॉलपेपर का वर्क आपको यहाँ पे करके दिया गया है। और फॉल सीलिंग की डिजाइन इसमें भी देखेंगे तो प्यारी सी फॉल सीलिंग की डिजाइन आपको यहाँ मिल जाती है। अगेन आपको वार्डरोब का प्रोविजन आपको यहाँ दिया गया है, इसमें भी ऊपर और नीचे दोनों तरफ वार्डरोब से यहाँ पे बना के दी गई है। विंडो के प्रोविजन की बात करें तो ये मिल जाता है सामने की तरफ फ्रंट में आपको विंडो का प्रोविजन। और अगेन आपको दोनों रूमों में अटैच वॉशरूम यहाँ पे दिए गए हैं, ये एक बार दिखा दीजिए। पूरी हाइट तक टाइल्स का काम किया गया, वेस्टर्न सीट आपको यहाँ पे लगा के दी गई है। और साइज की बात करें तो साइज भी काफी अच्छी यहाँ पे वॉशरूम की दी गई। अगेन वो बालकनी का स्पेस आपको यहाँ आ जाता है, जिसमें मैंने जैसे बताया आपको, एक बार इधर आके दिखाई कैमरामैन जी, सामने की तरफ ही आप देखेंगे तो जेडीए का बड़ा पार्क आपको सामने की तरफ मिल जाता है। 40 फीट रोड आपको फ्रंट में जैसे मैंने नीचे बताया था वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो फ्रेंड जैसे हमने बताया इसमें अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखिए साइज की, तो साइज जो होने वाली है वो होने वाली है यहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट। और प्राइस की बात करूं तो सेमी फर्निश की प्राइस होने वाली है 35.5 लाख रुपए। अगर आप चाहते हैं फर्निश जिस कंडीशन में दिखाए हुए चाहते हैं तो 37.5 लाख रुपए की प्राइस होने वाली है। अधिक जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगा।